10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और आपको बता दूं कि ये जो दौरा है वो 10 दिसंबर से शुरू होगा और 7 जनवरी तक चलेगा। और इस दौरान जो है भारतीय टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी, 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी और 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। तो इसके लिए टीमों की घोषणा कर दी गई है, कप्तान की घोषणा कर दी गई है, उप कप्तान की भी घोषणा कर दी गई है। आपको पहले तो यह बता दूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर नहीं दिखेंगे। तो फिर ओडीआई की कप्तानी किन्हें सौंपी गई और टी20 की कप्तानी किन्हें सौंपी गई यह भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कौन किस टीम के उपकप्तान बने हैं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 10 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी और यहीं से इस दौरे की शुरुआत भी होगी। तो आपको बता दूं कि जो टी20 इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है उसके कप्तान जो हैं वो सूर्य कुमार यादव बनाए गए हैं, मतलब कि नो हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या की वापसी नहीं हुई है और हार्दिक जो है तीनों ही फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। इसके अलावा अगर आपको बात करूं तो केएल राहुल को वनडे इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है, वो भारतीय टीम के कप्तान होंगे वनडे इंटरनेशनल में। और इसके बाद टेस्ट मैचों के लिए कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। तो ये हो गए तीनों कप्तान की बात। अब हम टीमों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टी20 इंटरनेशनल की टीम के बारे में हम बात कर लें। ये जो मुकाबले खेले जाएंगे टी20 इंटरनेशनल दक्षिण अफ्रीका में वो 10, 12 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। और अगर हम इस टीम की बात करें तो सूर्य कुमार यादव तो कप्तान होंगे ही, रविंद्र जडेजा की टी20 इंटरनेशनल में वापसी हुई है और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। तो देखिए यहां पर एक नजर जो है ना आगामी टी20 विश्व कप पर भी है। तो रविंद्र जडेजा उपकप्तान होंगे। अब अन्य खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, रवि विश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चाहर। अब हम वनडे इंटरनेशनल की भी बात कर लें जिसके कि कप्तान केएल राहुल बनाए गए हैं। 17, 19 और 21 दिसंबर को ये 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे दिसंबर के महीने में। और इसमें जो कप्तान होंगे वो आपको केएल राहुल होंगे। और अगर बाकी टीम के सदस्यों की हम बात करें तो इस टीम में भी ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, साई सुदर्शन नई एंट्री है ये इस टीम में होंगे, तिलक वर्मा होंगे, रजत पाटीदार इंजरी से वापसी के बाद टीम में शामिल किए गए हैं, रिंकू सिंह होंगे, मतलब रिंकू सिंह टी20 की भी टीम में होंगे और वनडे इंटरनेशनल की टीम में भी होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को देखने की कोशिश की जा रही है। और आपको यह भी बता दूं कि सूर्य कुमार यादव को वनडे इंटरनेशनल की टीम से रेस्ट दिया गया है, वो इस टीम के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसा मैंने आपको बताया कि कप्तान होंगे, वही विकेट कीपिंग भी करेंगे और इसी वजह से ईशान किशन को जो है वनडे इंटरनेशनल की टीम में जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन जो है वो टीम के साथ जुड़े हैं उनकी जगह पर। इसके अलावा अक्षर पटेल होंगे, वाशिंगटन सुंदर इस टीम में भी होंगे, कुलदीप यादव भी इस टीम में होंगे, यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है वनडे इंटरनेशनल में, और इसके अलावा मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर इस टीम में होंगे। तो अर्शदीप को भी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए टीम चुनी गई है उसमें दोनों फॉर्मेट में रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस की बात कर लेते हैं।
26 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 26 से 30 दिसंबर तक, और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच होगा, और इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। और जहां तक आपको उप कप्तान की बात है तो एक चौंकाने वाला नाम है यहां पर, जसप्रीत बुमराह जो हैं वो टीम की उपकप्तानी करेंगे टेस्ट मैचेस में। अब अगर हम टेस्ट मैचों की टीम की बात कर लें तो रोहित शर्मा होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, इसके अलावा आपको शुभमन गिल होंगे, विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, ईशान किशन को टेस्ट टीम में जगह मिली है, और केएल राहुल भी होंगे। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये दो स्पिनर, और फिर शार्दुल ठाकुर एक आपको तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, और फिर मोहम्मद सिराज होंगे, शमी होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, मुकेश कुमार होंगे और प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन रेड बॉल के लिए उन्हें चुना गया है। तो यह है भारतीय दल दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए, जहां तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होंगे, उप कप्तान भी बनाए गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है टेस्ट मैचेस के लिए, और रविंद्र जडेजा को T20 इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान जो है वो बनाया गया है। यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है, ये एक बड़ी खबर है, हालांकि वो जो वापसी है ODI के लिए हुई है उनकी वापसी, तो वो यहां पर आ गए हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो एक मजबूत टीम चुनने का प्रयास किया गया है। और आपको बता दूं कि भारतीय दल जो है अपना पहला जो मैच खेलेगी इंटरनेशनल मैच वो T20 का होगा, और वो 10 दिसंबर को होगा। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, रोहित शर्मा को टेस्ट मैच की कप्तानी सौंपी गई है, तो सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल की कप्तानी सौंपी गई है, और KL राहुल वनडे इंटरनेशनल में टीम के कप्तान होंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।